प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान देना कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को महंगा पड़ गया है। इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज और वाराणसी में केस दर्ज हुआ है। बता दें कि पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में लखनऊ में बीजेपी महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ सोमवार को रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकेश शर्मा का आरोप है कि 17 फरवरी को एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी। दरअसल पवन खेड़ा अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अडानी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे थे, तभी उन्होंने पीएम मोदी का नाम गलत तरीके से लिया। खेड़ा ने पीएम मोदी को नरेंद्र गौतम दास मोदी कहकर संबोधित किया था। ऐसे में बीजेपी के महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा का आरोप है कि पवन खेड़ा ने जानबूझकर उनका मजाक उड़ाने के इरादे से ऐसा किया और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। बता दें कि इस मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने खेड़ा के खिलाफ वाराणसी में मामला दर्ज कराया है। कांग्रेस प्रवक्ता पर धारा 153A, 295A और 505 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। तो वहीं मुकेश शर्मा ने कांग्रेस पर गाली पॉलिटिक्स पर उतरने का भी आरोप लगाया। शर्मा ने आरोप लगाया कि पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के दिवंगत पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी के बारे में भद्दी टिप्पणी की। उन्होंने पीएम के पिता का नाम गौतम अडानी के पिता के नाम के साथ जोड़कर पीएम का मजाक उड़ाया।